तो भाई ये 11.8.62 जो रियलमी 2N C1 में अपडेट था, उस अपडेट के बाद बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रहा है मेरे डिवाइस में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर कुछ ऐसा 4 या 5 प्रॉब्लम है जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। यानी सुबह से लेकर रात तक वही प्रॉब्लम के पीछे मुझे भागना पड़ रहा है। मुझे जो लगता है आप लोगों को भी शायद भागना पड़ रहा होगा। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं चारों प्रॉब्लम को शेयर करूँगा। आप जब प्रॉब्लम को देखेंगे तब आपको लगेगा कि आपके साथ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे लगता है बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बताएं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। आप देखते हैं कि कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक पोल रख रहा हूँ, उस पोल के अंदर मैं चारों प्रॉब्लम दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे पोल कीजिए कि आपके साथ इन चारों में कौन से प्रॉब्लम हो रहा है। और लास्ट में एक मैं रख रहा हूँ, एक पोल रख रहा हूँ कि ऑल टाइप का, तो वहाँ पे भी सिलेक्ट कर देना अगर ऑल हो रहा है तो। तो भाई लोग ये वीडियो में नीचे ज़रूर से कमेंट कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे प्रॉब्लम एक्चुअली क्या हो रहा है। देखो नंबर 1 जो प्रॉब्लम है वो है बैटरी ड्रेनिंग इशू। पहले पहले के टाइम में जब मैंने फ़ोन ख़रीदा था तब मुझे बैटरी को लेके 1 सेकेंड भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती थी, वो एकदम परफेक्टली वर्क करती थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता था। अभी क्या हो रहा है, अगर मैं थोड़ा भी डिस्टेंस में ट्रैवल करता हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस में 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में ट्रैवल करता हूँ, तो वहाँ पे मेरा GPS ऑन रहता है। तो ऐसे के टाइम में भाई बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और मुझे चार्जर कैरी करना पड़ता है, पावर बैंक कैरी करना पड़ता है। 4230 mAh बैटरी में जो प्रॉब्लम मुझे फेस हो रहा है, यानी बहुत खतरनाक है। मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर जाता हूँ तो यानी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर मैं पावर यूसेज में जाके मैं टोटल दिन का स्टेटस दिखाऊँ तो भाई यहाँ पे जो सिस्टम लॉन्चर है वो पूरी की पूरी बैटरी को एक ही कंज्यूम कर रहा है। 1406 mAh बैटरी ही इन्होंने खुद ही कंज्यूम किया है भाई। ये प्रॉब्लम जो कि बहुत बड़ी है, इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अगर आप नीचे कमेंट करते हो कि बैटरी ड्रेनिंग इशू के बारे में, तो मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा और बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है। तो ज़रूर से ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं भाई जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि मुझे फेस हो रहा है वो है भाई इंस्टाग्राम स्टॉप। अगर आप इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, मतलब दिन में 2 बार खोला ये नहीं, इंस्टाग्राम को अगर आप यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम को यूज़ करता हूँ, मेरे पास खुद का इंस्टाग्राम का आईडी है। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर आप किसी भी क्वेश्चन करते हैं मुझसे, बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उनका आंसर यहाँ पे दे देता हूँ, बहुत अच्छे से आंसर देता हूँ। आप लोगों को भी देखिए यहाँ पे बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अगर पूछते हैं मुझे तो मैं आंसर दे सकता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर भाई अगर इंस्टाग्राम आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पूरी तरीके से स्टॉप हो रहा है, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं भाई थर्ड प्रॉब्लम की, और ये जो थर्ड प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये थर्ड प्रॉब्लम एक्चुअली डार्क मोड का इशू है। अब आप बोलोगे कि भाई आप तू तो ये बता रहा है कि डार्क मोड में जो जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। एक्चुअली डार्क मोड में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बेसिकली प्रॉब्लमेटिक है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में यूज़ ही नहीं करता, वहाँ से डार्क मोड को मैं हटा चुका हूँ। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस हो रहा है। किस में प्रॉब्लम महसूस हो रहा है वो मैं आप आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई लोग यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो डार्क मोड है, इस डार्क मोड की वजह से क्या हो रहा है, जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल 0 हो चुकी है। मान लो कि मैं बहुत ही एक धूप वाले एरिया से रोड से गुजर रहा हूँ, तो ऐसे में मेरा फ़ोन आया और ऐसे में मुझे लगा कि मुझे एक मैसेज करना है या किसी को देना है या कुछ एक मैसेज आया है वो देखना है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि पूरी तरह से विजिबिलिटी 0 है। जो वाइड मोड था उस वाइड मोड में हमें थोड़ा बहुत धूप में दिखाई दे रहा था, अगर हम लोग ब्राइटनेस को फुल भी कर देते तो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है डार्क मोड में। तो वाइड मोड में भाई यहाँ पे जो वाइड मोड था वो हम लोग बोल रहे थे कि बैटरी को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है, पर एक्चुअल में ये नहीं है। मैंने जो ये डार्क मोड का इशू लिखा है इसका एक इकलौता रीज़न ये है कि ये डार्क मोड बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। आप सोचो कि डार्क मोड कैसे कंज्यूम करता है, भाई नाम का डार्क मोड तो है पर डार्क मोड अभी तक पूरी तरह से सेट यानी स्टेबल नहीं है। अगर आप रियलमी लेबोरेटरी में जाओगे तो यहाँ पे आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा कि ये जो रियलमी लैब है ये टोटली एक बेटा अपडेट है रियलमी का। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास रियलमी का ये लैब है, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे बैटरी ड्रेनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक आप बाहर रहेंगे, जब तक आप रोड में रहेंगे या अदर साइड रहेंगे या रोड से ट्रैवल कर रहे होंगे, तो आप वाइट मोड को स्विच करके रखो, क्योंकि क्या होता है विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाती है और मैं कुछ नहीं देख पाता। घर आने के बाद तो सब कुछ विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है। जो डार्क मोड है बहुत अच्छी तरह से यूज़ भी करता हूँ मैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप रास्ते में हो तो
ज़रूर से ज़रूर जो कि ये प्रॉब्लम है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ यहाँ पे रास्ते में जाने के टाइम हम वाइट मोड कर दो ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो यही मैं बता दिया आपको कैसे इससे बचना है। और मैं बात करता हूँ एक और अपडेट की, और जो प्रॉब्लम आ रही है वो है यूएसबी डिबगिंग इशू। एक्चुअल मैंने इसके वीडियो में दो तीन वीडियोज़ बनाए हैं, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर देख लेना। मैं यहाँ पर यूट्यूब को ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि एक्चुअली वो जो अब वीडियो है मैंने कहाँ पे छोड़ा था। ये देखो मैंने दो तीन वीडियोस इसके बारे में छोड़ के रखे हैं तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देखो Realme USB प्रॉब्लम, ये वाला वीडियो जिसमें 33,000 व्यूज़ आए हैं, तो इस वाले वीडियो को देख लेना। एक और भी वीडियोज़ है Realme के जो कि USB प्रॉब्लम के बारे में। तो बेसिकली अगर आपको Realme के USB वाला प्रॉब्लम देखना है, अगर आपको लिखना है Realme USB प्रॉब्लम, तो मेरा वीडियो रैंक करेगा USB नॉट वर्किंग। अगर आप ऐसे लिख के सर्च करते हैं तो मेरा वीडियो यहाँ पे रैंक करता है नंबर 1 पोजीशन में, और नंबर 2 वाला पोजीशन में भी मेरा वीडियोस रैंक करता है। तो जरूर देख लेना, ये दोनों देखने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर भाई प्रॉब्लम एक चीज़ में और आ रहा है कि भाई देखो रियलमी का जो ये USB प्रॉब्लम है, एक्चुअली यहाँ पे USB को छोड़ के अभी OTG में हो रहा है। मेरे पास एक OTG पेन ड्राइव है, उस OTG पेन ड्राइव में मुझे काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। यानी जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो आप लोगों को पता है ना, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि जब आप OTG को कनेक्ट करेंगे तो आपको OTG को इनेबल करना पड़ेगा। आपको सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और जाने के बाद आपको OTG को इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आप OTG को एक्सेस कर पाओगे। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि OTG एक्सेस होते होते OTG तो एक्सेस हो गया, मैं मूवी वगैरह देख रहा हूँ या काम वगैरह कर रहा हूँ, तो ऐसे में बीच रास्ते में ये ऑफ हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन इन नॉट यूज फॉर 10 मिनट्स। अगर नॉट यूज नहीं भी होता फिर भी ये ऑफ हो जाता है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा बग से जो कि मुझे फेस हो रहा है। और बाय द वे अगर USB प्रॉब्लम की बात करें तो वो मैं जो सॉल्यूशन बता रहा था इस दोनों वीडियो में, अगर आप इन दोनों वीडियो को देखे हैं तो मैं जो सॉल्यूशन बताया था आप लोगों को, ये सॉल्यूशन विंडोज 7 में काम करता है पर 10 और 8 में काम नहीं करता, मैंने खुद देखा है। तो बेसिकली उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए जो से वीडियो में स्टे ट्यून करना। तो भाई लोग 11.8.62 अपडेट के बाद ये दोनों प्रॉब्लम जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फेस हो रहा है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपके पास ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो नीचे घोर कमेंट करके बताओ, और मैंने वहाँ पे जो पोल दिया था उस पोल में भी जाके पार्टिसिपेट करो, देखते हैं कितने लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो भाई लोग ये वीडियो इतना ही, और इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में मैं एकदम बताऊँगा किस तरह से एकदम सॉल्व करना है सारे के सारे जो कि ये बग्स है उसको सॉल्व कर सकते हो, और रियलमी को भी बता सकते हो। और यहाँ पे बताने से क्या होगा, रियलमी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करेगा और आपके बग्स को लेके वो लोग सोचेगा, और उसका अपडेट भी मिल सकता है। अगर आप चाहते हो बैटरी ड्रेनिंग इशू, इंस्टाग्राम प्रॉब्लम, डार्क मोड इशू, ये जो प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेक्स्ट अपडेट में या अगले अपडेट में मिल जाए तो मेरे नेक्स्ट वाला वीडियो को ज़रूर देखते रहना। तो भाई लोग बस वीडियो में इतना, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर से नीचे कमेंट करना, नेक्स्ट वाला वीडियो को देखना क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।